और गैनिक कैसे हो सारे के सारे? गोरापन, गोरा होना सब चाहते हैं, जिसके लिए मार्केट में कई सारी स्किन वाइटनिंग क्रीम्स अवेलेबल भी है। कुछ तो क्रीम्स ऐसी भी है जिनको लगाने से आप सच में गोरे तो हो जाते हो, पर इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि इस क्रीम को लगाने के बाद इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और कुछ समय बाद जो चेहरा गोरा हुआ था वो काला पड़ने लग जाता है। कारण है प्रॉपर नॉलेज का ना होना। हम अपने चेहरे पर क्या लगा रहे हैं और उसे लगाने से क्या हो सकता है, इसका पूरा ज्ञान हमें कभी भी नहीं होता है, जो कि अक्सर हमें होना चाहिए। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि समझाऊंगा कि स्किन शाइन क्रीम को कब, कैसे और कितना लगाएं, इसको लगाना बंद कैसे करें ताकि आपका चेहरा खराब भी ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे कोई यूट्यूबर या वीडियो बनाने वाला बिल्कुल भी मत समझो। मैं भी आप में से ही एक इंसान हूँ। मैंने भी चेहरे पर गोरा होने के लिए कई सारी क्रीम्स आजमाई हैं, और उसी की बदौलत मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, मैं ये नॉलेज आपके साथ में शेयर कर पा रहा हूँ, मैं ये चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। बाकी मेरे इन वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये सब मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहने वाला, क्योंकि इन सारे चीज़ों की मुझे कोई भूख नहीं है। पर हाँ, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ये मेरी आपसे विनती है। तो सबसे पहली बात, जानते हैं कि स्किन शाइन क्रीम को कब लगाएं। पहला, अगर आप गोरा होना चाहते हैं तो आप इस क्रीम को लगा सकते हैं। दूसरा, इसको लगाने का समय और सही अगर कोई टाइम होगा तो वो है रात में। अगर आपको किसी डॉक्टर ने सुझाव दिया है तब भी आप इस क्रीम का इस्तेमाल अपने चेहरे पर कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे में बहुत ज़्यादा सांवलापन है, कालापन है, तब आप इस क्रीम का इस्तेमाल अपने चेहरे पर कर सकते हैं। चेहरे पर अगर बहुत सारे काले दाग हैं, पिंपल्स के स्कार्स हैं, कुछ मार्क्स हैं जो कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे, तब भी आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। चेहरे की चमक अगर खो गई है तब भी आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कितना, तो 10 से 12 दिन आप इस क्रीम को लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई कि आप स्किन शाइन क्रीम को कब तक लगा सकते हैं। अब दूसरी बात जानते हैं कि आप इस क्रीम को कब ना लगाएं। पहली सबसे जरूरी बात, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप इस वीडियो को यही छोड़ दीजिए। भले ही इसमें मेरा नुकसान है, लेकिन ये वीडियो आप बिल्कुल भी मत देखिए दोस्तों, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, आपका चेहरा बर्बाद हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको बहुत ज़्यादा धूप में जाने का काम पड़ता है तब भी आप इस क्रीम को ना लगाएं। तीसरा, अगर आप बहुत सारी क्रीमें अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो आप इस क्रीम को ना लगाएं, क्योंकि ये क्रीम फिर रिएक्शन कर देगी। चौथा, अगर आपका चेहरा ऑलरेडी गोरा है तो भाई इस क्रीम की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी गोरे हो तो क्यों आपको इस क्रीम को लगाना है। पांचवा, अगर आप सनस्क्रीन यानी कि अन्य क्रीमों में मिक्स करके इस क्रीम को लगाना चाहते हैं, या फिर ऐसा सोचते हो कि मैं इसे सनस्क्रीन में मिक्स करके लगाऊंगा तो मैं बहुत जल्दी गोरा हो जाऊंगा, कई लोग ऐसे दावे भी करते हैं, कई लोग आपको यूट्यूब पर ऐसे झूठे वीडियोस बनाकर बताने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मैं आपसे फिर से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि ऐसा ना करें। और सबसे आखिरी, 10 से 12 दिन से ज़्यादा आपको इस क्रीम को नहीं लगाना है, ठीक है। नंबर तीसरा, लगाने के बाद कब बंद करें और क्या प्रिकॉशन लें। देखो, सबसे ज़रूरी बात, लगाना कब बंद करें। तो दोस्तों, अगर 10-12 दिन आप इस क्रीम को लगा चुके हो तो यकीन जानो समय आ गया है इस क्रीम को अपने से दूर करने का और अपने आप को इस क्रीम से दूर करने का, यानी कि इस क्रीम को हमेशा के लिए भूल जाइए। बंद करने के बाद अगले 3 दिन सिर्फ और सिर्फ पानी से अपना चेहरा धोएं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने पर ध्यान दें। डिहाइड्रेटेड बिल्कुल भी नहीं रहना है, हाइड्रेटेड रहना है। रात को सोने से पहले शुद्ध एलोवेरा जेल, मैं फिर से कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ शुद्ध एलोवेरा जेल से आपको अपना चेहरा अच्छी तरीके से धो लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा धूप में जाना अवॉइड करना है। अगर आप स्किन शाइन क्रीम को लगाते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। उसका रिजल्ट मिलने के बाद में 10-12 दिन बाद अगर आप उसका इस्तेमाल बंद करते हो और मैंने आपको जैसा बताया इन प्रिकॉशंस को फॉलो करते हो तो आपका चेहरा खराब भी नहीं होगा, आप हमेशा के लिए गोरे भी रहेंगे और आपको कोई कंप्लेंट भी नहीं होगी और आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगे और आपको और ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियो देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में। अगर कोई भी बात आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट कर देना, मैं 100% आपको जवाब देने का काम करूँगा। तो बस यार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो में मेरी कोई भी बात गलत या बुरी लगी हो तो मुझे कर दीजिए माफ़।